हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू लिटरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज। जैसा कि मित्रों, परसेंटेज हम आपको एक अलग अप्रोच दे रहे हैं, आपको ऐसी अप्रोच जो आपको कहीं नहीं मिली। एक हमने आपको कल भी एक वीडियो बना के आपको ये बताया था कि पूरा मैथ आपको इसी अप्रोच पर दे रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी मेरे वीडियो हैं, उन वीडियो को 5 बार 6 बार 7 बार देखना है और समझने की कोशिश करना है। यदि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो वो भी कमेंट आप कर दीजिए कि फास्ट हो रहा है, तो हम उसको स्लो कर देंगे। यदि स्लो है तब भी आप बताइएगा कि भाई स्लो बहुत है, थोड़ा फास्ट कराइए। तो आप अपने कमेंट के द्वारा हमें सजेशन दे सकते हैं कि भाई क्या आपको बहुत धीमे पढ़ाना चाहिए या स्पीड से पढ़ाना चाहिए। लेकिन मित्रों, आपको अपने कॉन्सेप्ट तो डेवलप करना पड़ेंगे, ठीक है। आपको पुराना तरीका छोड़ना ही पड़ेगा, नए तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि नए तरीके से ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे। आप समझो कि छोटे वो पुराने तरीके से हम सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये संभव नहीं है। आज के समय में बहुत लड़के हैं, बहुत बच्चे हैं जो नए कॉन्सेप्ट पर और नए अप्रोच के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको भी एक नई अप्रोच के साथ ही क्वेश्चन करना है, करेक्ट है। बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं सोचना है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो गलत है कि सही है। मैं बिल्कुल आप लोगों के हिसाब से ही बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मेरा लेवल थोड़ा ऊंचा है, मैं उस लेवल को कम करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे सोचने का नज़रिया आप लोगों के नज़रिए से मैच नहीं खाएगा, करेक्ट है। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि आप लोगों का जो माइंड है वो माइंड में शुरुआत से ही यही चीज़ सिखाई गई है कि भाई हमको तो पेन कापी लेकर ही सवाल हल करने हैं और सोचना नहीं है। जैसा हम बता रहे हैं बस वैसे ही करते जाना है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब सवाल थोड़ा सा भी घूम जाता है, तब प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। तो ये 4 सवाल हमने आपके लिए परसेंटेज अपन पढ़ रहे हैं, उसके 4 सवाल हमने यहाँ पर लिखे हैं। आप लोग परसेंटेज के साथ 4 सवाल करिएगा। पहले आप लोग इन सवालों को करिएगा, क्या आपकी अप्रोच है। तो आप अभी हम मेरे वीडियो को पोज करोगे और इन सवालों को पहले हल करोगे, राइट है। और वही अप्रोच के साथ जो मेरी अप्रोच है उसी अप्रोच के साथ यदि आपने सवाल कर दिया तब आप समझ लेना मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं। मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं कब? जब आपने मेरी अप्रोच से ही हल कर दिया तब समझना मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आप लोगों ने पहला सवाल हल कर लिया होगा, पहले आपको हल करना है, ठीक है। और भाई अप्रोच जो मेरी होना चाहिए, करेक्ट। तो देखो, आइए समझते हैं कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कम कर दें तो जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो 87 प्राप्त होती है, ठीक है। ठीक, अब देखो तुम कह रहे हो कोई संख्या बहुत बड़ी संख्या थी। एक सवाल को सवाल की तरह नहीं देखना है, सवाल को एक दैनिक लाइफ में लाना है, ठीक है। आप बोले भाई कि बहुत बड़ा एक नंबर था, उसमें से हमने 27.5% कम कर दिया तब 87 हमको प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अभी 87 प्राप्त हुए हैं जब 27.5% कम कर दिया, तो वो नंबर जो होगा वो तो 87.5 जो 87 से बड़ा होगा, राइट है। क्योंकि 27.5 कम करने के बाद 87 प्राप्त हुआ तो वो नंबर 87 से बड़ा होगा, करेक्ट है। तो ये दो नंबर क्या 87 से बड़े हैं बताइए? ये हमारे उत्तर नहीं है। क्या आपने इस बारे में सोचा कभी? नहीं सोचा, अब सोचना है, यही हम आपको सिखा रहे हैं, करेक्ट है। चलिए आप समझते हैं, सवाल को हल नहीं करेंगे और उत्तर आएगा ये हम बताना चाह रहे हैं। आप बोले हाँ भैया ठीक है, ये दो चीज़ें समझ में आएंगी, पर 87.5% किस संख्या का हम कम कर रहे हैं,
87% किस संख्या का कम करें कि हमको 87 प्राप्त। अब हम कहेंगे भैया 100 उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 100 का 87% 27.5% कम करोगे तो 27.5% ही होता है। क्योंकि 100 का कोई भी परसेंट आप निकाल लो उतना ही होता है। 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 23% 23 ही होता है, 100 का 27.5% 27.5% होता है। इसलिए 100 उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 100 में से 27.5% आप कम कर दोगे तब भी हमारा ये 87 प्राप्त नहीं होगा। करेक्ट है? तो फिर हमारा क्या उत्तर होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा एक। जब भाई ये नहीं है तो यही होगा। अब आप लोगों ने ईमानदारी से बताइए, क्या आपने ऐसा कभी सोचा? क्या आपने कभी इस तरह का विचार लाए अपने दिमाग में? हम क्यों कहते हैं आपसे कि समय दो सवालों पर, समय दो सवालों पर, जितना क्वेश्चन पर समय दोगे आपको उतनी ही अच्छी तरह से चीज़ें आएंगी। क्या समझे? फिर समझना। हमने कहा किसी चीज़ का 27.5% कम कर दोगे तो 87 प्राप्त होगा। ठीक है, तो किस चीज़ का हम नंबर 27.5% कम करें जिससे हमें 87 प्राप्त हो? आप बोलोगे भैया वो नंबर बड़ा होगा, सतासी से, क्योंकि 87 तो जब प्राप्त होता है जब कमी हो जाती है। करेक्ट है, तो नंबर 87 से बड़ा होगा। राइट है, तो ये दो नंबर नहीं थे। ठीक है, फिर हमने कहा ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 का 27.5% कम करोगे, 100 का कोई भी परसेंटेज आप निकाल लो तो उतना ही रहता है। ठीक है, तो 100 का 27.5% कम करोगे तो ये तो कहोगे आप भैया ये तो 72.5% प्राप्त होगा। 100 में से 27.5% कम करोगे तो 72.5% प्राप्त होता है। तो वो ये भी उत्तर नहीं है। फिर क्या बचा हमारा? यही बचा। इस तरह आप सोचोगे, और मैं कह रहा हूँ कि आपके मैथ में यदि 50 क्वेश्चन थे तो 50 में से 50 यानी 25 का भी कोई क्वेश्चन, 25 का भी कोई पेपर है, मान लीजिए किसी पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, तो उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको सिर्फ आप देखोगे और उत्तर निकाल दोगे, वही अपनी जीत है, वहीं से अपन बढ़त हासिल करेंगे। देखो सरल सवालों में अपन को, सरल जो सवाल है उनमें अपन को बढ़त हासिल करनी है। करेक्ट है, अब देखिए अब पूरा हल भी करते हैं। राइट है, अच्छा चलो अब अपन थोड़ा और चीज़ों को और समझते हैं गहराई से। ठीक है, अब हम ये चेक करना ये सिखा रहे हैं आपको कि क्या इसका 27.5% कम करोगे तो क्या 87 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उत्तर अपना आ चुका है, लेकिन अब अपन इसको एवेल्युएट कर रहे हैं, मतलब इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब इसको चेक कर रहे हैं, प्रत्येक ऑप्शन पर वर्ग कर रहे हैं। करेक्ट, अब देखो इसका 27.5% निकालना है तो आप पूरी एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं पड़ा करो, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं निकालना है। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालोगे? क्योंकि भाई हम 12th पास करके आए हैं, हम अपन को तो उत्तर से मतलब है, अपन को इससे नहीं है मतलब क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। करेक्ट है, समझ नहीं है। चलिए आप कहोगे भैया ये 27.5% है, लगभग 25% से थोड़ा सा ज़्यादा है, 25% से थोड़ा सा ज्यादा है। 25% कौन सा हिस्सा होता है? आप कहोगे 100 का 25% होता है चौथा हिस्सा। यदि ये वैल्यू 100% के बराबर है तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 27.5% है, ये 25% से थोड़ा सा ज्यादा है, और 100 का 25% मतलब चौथा हिस्सा होता है। तो चौथा हिस्सा यदि हम कम कर देते हैं, ठीक है, तो वो लगभग 87 हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। करेक्ट, 100 का 120 का चौथा हिस्सा कम कर रहा है, क्योंकि 27.5 क्या है, 25% थोड़ा सा ज्यादा है, और चौथा हिस्सा के 100 का चौथा हिस्सा के आसपास है। करेक्ट, इसका भी चौथा हिस्सा निकालो, इसका चौथा हिस्सा निकालोगे आप तो 30-30 के चार हिस्से होते हैं। ठीक है, 30-30 के चार हिस्से होंगे, तो 30-30 के चार हिस्से होंगे तो आप कहोगे भैया एक हिस्सा कम कर देना है, तो 120 में से 30 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। लेकिन हमको तो और ज़्यादा कम करना है, 25 नहीं है ज़्यादा है, तो 90 हो गया, 90 से थोड़ा सा और कम करोगे तो 87 निकल जाएगा। तो आप अपन ये श्योर हो गए कि भाई हमारा उत्तर यही है। राइट, अब पूरा हल करना सीखते हैं। देखो पूरा हल तो करना है क्योंकि घर पर बैठे इसलिए पूरा हल कर रहे हैं। करेक्ट है, ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि आपको किस तरह सोचना है, इसलिए हम ये चीज़ें बताते हैं आपको। करेक्ट है, क्योंकि स्मार्ट आज के समय में आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो
अपन को 24 घंटा सिलेक्शन के बारे में सोचना है, 24 घंटा सिलेक्शन के बारे में, ठीक है राइट। और यदि हम स्पीड से भी बता रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आप भैया बहुत स्पीड से बताते हैं, कोई बात नहीं, मैं उसमें सुधार लाऊंगा और स्लो स्लो बताना स्टार्ट करना। लेकिन अपन को अप्रोच वही रखना है, सिर्फ 2-4 सेकंड और 2-4 सेकंड में ही क्वेश्चन करना है, करेक्ट है। सिलेक्शन के बारे में सोचना, सिलेक्शन के लिए स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस क्वेश्चन को कर रहा है एक लड़का, तो क्या है इसको पूरा हल कर रहा है राइट, और एक लड़का क्या कर रहा है सिर्फ देख रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो ये अंतर आपको, अब वो लड़का क्या है तुमसे आगे निकल जाएगा, तो स्मार्ट होना है अपन, राइट है। देखो अब हम कह रहे हैं कि कोई भी संख्या कितनी होती है, 100% होती है अपने आप में। अब उससे आप कह रहे हो 27.5% कम कर दो, तब हमको ये प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो 100 में से 27.5 कम करोगे तो 72.5 बचेगा, और 72.5 इसके बराबर है तो 100% की वैल्यू क्या है, ये है उत्तर क्वेश्चन, करेक्ट है। अब देखो 72.5 अपन नहीं निकाल पाएंगे, मतलब काटा पीटी में थोड़ा समय लग जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। तब भी हम आपको एक डिफरेंट अप्रोच बताएंगे, चलिए यहाँ भी अपन जीतेंगे, बस ये समझ लो मानना क्या जीत अपनी है। अब देखो 27.5% की कमी करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 27.5% को फ्रैक्शन में लिखते हैं। क्यों लिख रहे हैं, फ्रैक्शन में लिखने से संख्या थोड़ी आसान हो जाएगी। देखो 27.5% को कैसे लिख सकते हैं आप कहोगे भैया 25% प्लस के 2.5%, ये दिमाग में आपके ऑटोमेटिक आना चाहिए, करेक्ट। हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं इसको, 25% मतलब 1/4 पता है, प्लस यहाँ पर 25 ही होता, ठीक है, 25 ही होता तो आप कहते 1/4 आता, लेकिन दशमलव लगा है, दशमलव हटाओगे नीचे एक बिंदु आ जाएगी, क्या क्या हमने 25% होता तो 1/4 होता, लेकिन दशमलव लगा है, दशमलव हटाओगे तो एक बिंदु नीचे आ जाएगी, करेक्ट है। 27.5% को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हल करना है, इसको हल करना है तो क्या करें, आधार बराबर करेंगे, कभी भी आप इस तरह फ्रैक्शन में आ जाए तो आधार को बराबर किया करो, आधार को बराबर, यहाँ 40 है तो यहाँ 40 बना लो, क्या करना पड़ेगा ऊपर 10 का गुणा करना पड़ेगा, 10 का गुणा कर दिया, ऊपर भी गुणा कर दिया, 10 का नीचे गुणा कर दिया, अब 40 हो गया, और डायरेक्ट ये जुड़ जाते हैं, इसलिए अपन आधार जब बराबर है तो ऊपर की संख्या जोड़ देंगे, 10 और 11 ये संख्या होगी। 27.5% का मतलब क्या है, ये 27.5% ऐसे लिखा जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब तुम क्या कमी हो गई, तो कमी हो गई 40 हमारी पूरा, अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, मतलब पूरा बेस है 40 हमारा क्या है, बेस है, ठीक है, 40 बेस है, बेस में से 11 कम हो गए, बेस में से ये 40 में से 11 कम हो गए, ठीक है। हमेशा 100% रहती है नीचे की संख्या, तो आप कहोगे इसमें से 11 कम हो गया, 40 में से 11 कम हो गए, तो कितने बचे 29, आप कहोगे 29 बचे हैं, ठीक है, समझ आएगी, इसका मतलब समझ आएगी 40 में से 11 कम हो गए, यहाँ 27% की कमी हो गई ना, 27% की कमी, मतलब 27.5 मतलब अब एक 11/20 लिखेंगे, 11/40 लिखोगे 27.5 को, इसका मतलब क्या है, 27.5 की कमी तो मतलब 11 की कमी 40 में से, कितने बचे 29, और क्या की वैल्यू निकालें, 40 की वैल्यू निकालें, 40 क्या है हमारी आधार है, हमारा मतलब पूरी संख्या है 40, तो ये संख्या ये किसके बराबर, आपको होगा 87 के बराबर, तो 40 में से 11 प्राप्त हुए, 11 कम हो गए तो बचे 29, 29 की वैल्यू क्या रहा है 27.5, तो 40 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखो 3 गुना है तो यहाँ भी 3 गुना, राइट 120, क्या उत्तर आ गया 120, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, बोलो समझ में आ रही। ये इतनी बड़ी चीज को आप लोगों को समझना है, देखो अब यहाँ से देखो, अब आपको थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, अब थॉट प्रोसेस समझो, आपको एग्जैक्ट निकालना सिखा रहे हैं, एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, आप कहोगे भैया इसको हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हो, 25% प्लस के 2.5%, 25% मतलब 1/4, 2.5% का मतलब क्या है, 25 ही होता तो 1/4, लेकिन दशमलव हटाओगे तो नीचे बटे में 40 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 और प्लस 1/40, अब आधार बराबर कर दिया दोनों साइड, तो 10 ऊपर हो गए और 40 नीचे जुड़ जाएंगे, 11/40 कम करना है, इसलिए 40 में से 11 कम हो जाएगा तो 29, तो 29 बराबर 87, ठीक है, 40 बराबर 120, करेक्ट, ये उत्तर हो गया, 40 की वैल्यू हमारा निकालना था, करेक्ट है, चलो इस क्वेश्चन को समझा होगा। अब देखो और दूसरे तरीके समझो, तीसरा तरीका, देखो ये चीज़ें क्यों बताते हैं, इसलिए क्या रटो ना, कि भाई सवाल को एक ही तरीके से हम कर रहे हैं, और रटना
जब एक तरीके से आप सवाल करते हैं तो वो हो जाता है रटना, दिमाग में बैठती नहीं है कि भाई हम इस तरह भी कर सकते हैं सोचना है। तो आप हम जो बता रहे हैं इसके बाद आप अपना तरीका और सोचोगे, करेक्ट है। अब कह रहे हैं 120, अब हम ऑप्शन ले रहे हैं, ऑप्शन के थ्रू हल करवा रहे हैं, 120 में से हम यदि इतना कम कर दें तो आपको 87 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। चलो 120 का हम निकाला है, ये कम कर रहे हैं, ठीक है। तो कमी 27.5% अभी बताया हमने कितना होता है, कमी करना है तो 11/40 होता है, ठीक है। और कमी करना है 11 की, कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा, इतनी 40 में से 11 कम हो जाएगी, क्या बचेंगे 29/40, ये संख्या करेक्ट है। क्या किया हमने, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं आप, 120 है, 120 में से आपको क्या निकालना है, 120 का 11/40 कम कर दो आप, सही है। 120 संख्या है, इसमें से इस संख्या का 120 का मान गुणा 11/40 निकाल के कम करना है, कम करने के लिए हमने मानस लगा दिया है पहले, ठीक है। देखो ये 40 दिया, 120 11 थी 33, जैसे ही 33 घटाओगे 120 में से तो कितना प्राप्त होगा 87, ठीक है, 87 करेक्ट है, मतलब उत्तर राइट। देखिए इस तरह आपको यहाँ पर क्या थी, यदि आपको ये तोड़ना आता है तो आप हल कर लोगे, राइट है, और तोड़ना नहीं आता है तो फिर आप बहुत टाइम लगा दोगे, राइट है, ठीक है। आप 100% मान के भी आप हल कर सकते हो, चौथा तरीका समझो, आप कहोगे भैया कमी कर दे तो 72.5 बचे हैं आपके पास, ये किसके बराबर है 87 के बराबर, 100 किसके बराबर, परसेंटेज लगा दो एक्स के बराबर, करेक्ट है, ये क्वेश्चन है, राइट। कर दिया हमने 27.5% कम कर दिया, 100 में से तो 72.5 बचा, 72.5 87 के बराबर है तो 100 की वैल्यू क्या है, ये है क्वेश्चन हमारे पास, करेक्ट है। अब देखो अब दशमलव बटाओगे तो यहाँ पर बिंदी लग जाएगी, ठीक है। 25 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आप कहोगे 25 से कट जाएगा, 25 से काट लें, चलो 25 × 100 एक बिंदी, 25 से काटो, देखो 25 को हम देख रहे हैं 700 प्लस के 25, अब 25 का भाग दे रहे हैं तो 25 × 100 और 7 × 28, दो बिंदी कट जाएंगी चार बार 25 से, ठीक है, मतलब 700 × 100 है तो 25 का भाग दोगे चार बार कट जाएगा, 7 × 28 तो कितने हो गए, यहाँ पर 700 भाग दिया 25 का तो 28 बार चला गया, 7 × 28 और 25 × 25 तो 29 बार चला गया, तो कहाँ बच, कितना ऊपर बच गया 29, ऊपर 29 बच गया, नीचे कितना बच गया 40/27, करेक्ट है। यहाँ पर 3 गुना तो यहाँ भी 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा, करेक्ट, 40 के लिए समझ आएगी नहीं, तो यहाँ भी आसान था लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पर फंस रही थी, ठीक है, राइट। ये आपका उत्तर क्वेश्चन हो गया। अब अगला सवाल, ये पहले आपको करना है फिर भाई ये अप्रोच, देखो मित्रों लड़ाई किस बात की है, थॉट प्रोसेस की, जीत तो वही है कि हम क्वेश्चन करें ना और आप क्वेश्चन करने के लिए लगे हो तो जीत तो हमारी है। जब किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होते हैं, बताइए जब वृद्धि कर रहा है तब 33 प्राप्त हो रहे हैं तो वो संख्या क्या होगी, बताओ दिमाग से सोचो भाई संख्या क्या होगी। आप कह रहे हो जब उस नंबर में हम 37.5% बढ़ा दें तब वो नंबर